तो इस प्रकार से दो स्पीयर्स है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3R, क्योंकि एक है x इक्वल टू जीरो पर एंड दूसरा है x इक्वल टू 3R पर, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 3R। इनकी रेडियस है R, ठीक है, जीरो ये R, दिस इज 2R, दिस इज 3R, ऐसे ये पॉइंट रहेंगे। अब आपको देखो चार अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, कौन कौन से पॉइंट है ये, x इक्वल टू जीरो ये पहला पॉइंट है, x इक्वल टू R बाय टू मतलब यहां पर आएगा, x इक्वल टू 3R बाय टू, एंड x इक्वल टू 4R, ये 3R है तो 4R यहां पर आ जाएगा। ऐसे चार पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्या ध्यान में आ गया? एंड दीज आर नॉन कंडक्टिंग स्पीयर्स, नॉन कंडक्टिंग होने के कारण इनके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो देखो बाहर के पॉइंट के लिए तो टेंशन नहीं, सवाल आएगा जब अंदर के पॉइंट के बारे में कंसीडर करेंगे तब। तो, चलो लेट्स टॉक अबाउट पहली केस। एट वन दो पॉइंट, दो चीजों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, E1 एंड E2। E1 के कारण कितनी रहेगी, इसको पहला स्पीयर माना है, इस पॉइंट पर अगर आप कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो इस पॉइंट पर, तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है सर, ठीक है। इस पॉइंट के इनसाइड कोई चार्ज है? नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। देखो कल हमने ये रिलेशन देखा था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इंटू छोटा आर अपॉन कैपिटल आर, आया याद में? यस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट एनी पॉइंट विल बी 1/4πε0, जो कोई भी छोटा क्यू चार्ज रहेगा अपॉन उस पॉइंट का डिस्टेंस आर स्क्वेयर, पर ये चार्ज कितना रहने वाला है, चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4/3π आर का क्यूब इंटू उतना वॉल्यूम 4/3π छोटा आर का क्यूब, 4/3π 4/3π कैंसल, आर क्यूब का स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, 1/4πε0 कैपिटल क्यू, आर क्यूब का आर स्क्वेयर यहां पर लिखा, फिर क्या बचा है, ऊपर छोटा आर नीचे कैपिटल आर, पर ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इनटू छोटा आर अपॉन कैपिटल आर, छोटा आर क्या है, ये अंदर वाला डिस्टेंस। अब सेंटर पर छोटे आर की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या होगी सर, जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए हमने सेंटर पर जीरो ली है, क्या क्लियर है सभी के लिए?
E1 इक्वल टू जीरो, E2 इक्वल टू क्या आने वाली है? अब ये दूसरा जो स्पीयर है उसके लिए ये पॉइंट इज आउटसाइड, फॉर ऑल आउटसाइड पॉइंट्स दिस चार्ज स्पीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर, क्या सही है? आउटसाइड पॉइंट के लिए, हाँ सर ये भी तो सही है, सो E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/4πε0 टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट दोनों के बीच में, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, सो E नेट हो जाएगी E1 प्लस E2 दैट इज 1/4πε0 Q/9r² डायरेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट, क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देख लो, हाँ दूसरा पॉइंट R/2, ओके अब ये इनसाइड है, इनसाइड पर अभी हमने रिलेशन लिखा था E एट सरफेस विच इज 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाय आर इंटू छोटा आर, छोटा आर की वैल्यू है R/2 अपॉन कैपिटल आर। E2 के लिए ये पॉइंट इज आउटसाइड, सो ये हो जाएगी 1/4πε0 कैपिटल क्यू, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 3R है उसमें से R/2 चला गया, सो 5/2R का स्क्वायर, अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E1 के कारण जो फील्ड रहेगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड राइट हैंड साइड में, E2 के कारण जो फील्ड है दैट इज टुवर्ड लेफ्ट, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, E1 इक्वल टू 1/4πε0 RR कैंसल Q/2R और इधर आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 5/2R का स्क्वायर विल बी 2R² है ना, 5/2R का स्क्वायर, ओके सॉरी हाँ 2R² नहीं आएगा, हाँ 2R² आएगा सही है, और यह आ जाएगा 5/2R का स्क्वायर मतलब 2R 2 ऊपर चले जाएंगे तो 4 ऊपर चले गए, 4Q डिवाइडेड बाय 25R का स्क्वायर, क्या सही है? अब एक को पॉजिटिव लो एक को नेगेटिव लो और सॉल्व कर लो, सो E नेट हो जाएगा, मैं राइट वाला पॉजिटिव लेता हूँ, सो 1/4πε0 LCM 50 आने वाला इसलिए इसे लिखा 25Q/50R² 25 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे माइनस 1/4πε0 8Q/50R² सर इसको माइनस क्यों लिया, बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, आई एम कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड वाला निगेटिव हो जाएगा, फाइनल आंसर आने वाला है कितना आ गया 1/4πε0 25Q-8Q विल बी 13Q/50R का स्क्वायर, क्या सही है? सेवेंटीन चाहिए क्या, सॉरी हाँ 17Q/50R का स्क्वायर, क्या सही है? So, देखो यहां पर वेक्टर होने के कारण डायरेक्शन कंसीडर करना जरूरी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करके काम नहीं होने वाला है। सर हाँ बोलो सर,
sir, in this we have considered direction, so we can consider according to our mind, means कौन सी भी direction consider कर सकते हैं as positive and बिल्कुल बिल्कुल. देखो अभी हमने कहा है कि ये right hand side में positive है, इसका मतलब ये field की direction ये positive आया तो 1/4πε0 17q/50r² directed towards right. If you are considering left positive, तो आपका answer negative आएगा. Final field की direction same आएगी. ठीक है? आप करके देखो. Next question में हम left side को positive consider करेंगे. ठीक है? अब actually part 3 ये common sense से solve होने वाला है. कैसे? कोई बता सकता है? सर वो मिडल पॉइंट है इसलिए वो दोनों भी इक्वल रहेंगे. मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फील्ड जीरो आने वाली है. ठीक है, देखो कैलकुलेशन भी करके देखेंगे. करने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक. देखो यहाँ पर राइट साइड में रहने वाली है. शुरू कर लेते यार, डरो. E1 कितनी हो जाएगी? आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई टेंशन नहीं. 1/4πε0 q/ डिस्टेंस है 3/2r² मतलब 9r² / 4 टूवर्ड्स राइट. E2 के कारण कितनी रहने वाली है? 1/4πε0 q/3/2r² इज 9/4r² टूवर्ड्स लेफ्ट. Equal in magnitude and opposite in direction, therefore E net equal to 0. सही है, E net equal to 0. अब चौथे के लिए consider कर लेते हैं. चौथी केस कहाँ है? R यहाँ पर surface में है. अब E1 and E2 दोनों के कारण ये right में रहने वाली है, radially outward. कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 4r² therefore E net equal to 4r² सही है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. जय आगे. सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड देखो. This and uniformly charged conducting sphere is having radius 1 meter. And surface charge density 20 coulomb per meter square.
कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लीविंग द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग द स्पीयर विल बी ठीक है, एक कोई कंडक्टिंग स्पीयर है, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, ठीक है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकलने वाली सरफेस चार्ज फ्लक्स के बारे में बात करूं और इसकी रेडियस दी है 1 मीटर। सो देखो सिंपल रिलेशन है फा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है, पाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर, सिग्मा इनटू एरिया। सो आंसर आ जाएगा 24 × 85 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स है तो यूनिट क्या आने वाला है? न्यूटन कूलम, न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ई डॉट डी एस। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, जरा सोचकर करना इसे। A solid conducting sphere of radius A has a net positive charge 2q. A conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C concentric with sphere and has net charge 2q. The surface charge density on inner and outer sphere will be question को पढ़ लो समझ लो। इस प्रकार
प्रकार से कोई एक इनर स्फीयर है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक मिनट है, इस प्रकार की अरेंजमेंट है। ये कंडक्टिंग स्पीयर है, इस पर नेट चार्ज है 2q, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस रहेगी आउटर रेडियस c। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेनी है। इनर वाले पर चार्ज कितना है, यहां पर चार्ज है +2q, ठीक है, और यहां पर नेट चार्ज है -q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर बी कितनी रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सी कितनी रहेगी। एकदम जबरदस्त सवाल है ये। बोलो, क्या रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। निकाल लो, बोलो, सो अब देखो, हाँ यहां पर सरफेस पर +2 +2q इतना चार्ज है, तो इसके कारण यहां पर भी +2q इतना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, सॉरी -2q, क्योंकि ये पॉजिटिव अपने पास निगेटिव चार्ज खींच लेगा। क्या ये पार्ट ध्यान में आया, क्या ये पॉजिटिव चार्ज एट सरफेस विल अट्रैक्ट ऑल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस एक्सटर्नल शेप। कितने चार्जेस खींच लेगा ये, ये खींच लेगा -2q, इसलिए बी के लिए रहेगी -2q/4πb² का स्क्वायर। अब इसके ऊपर नेट चार्ज -q है, मतलब सरफेस पर चार्ज कितना रहना चाहिए, ये -2q है, इसका नेट चार्ज -q रहने के लिए सरफेस पर चार्ज +q रहना चाहिए। आई क्या बात ध्यान में, तो ये हो जाएगा +q/4πc² का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर इंडक्शन होने वाला है, ये दिमाग में आना चाहिए, एकदम जबरदस्त पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़े से सिंपल पर बढ़िया सवाल है। If charge Q is placed at the center of hemisphere, of radius R, then calculate flux through hemisphere. इस प्रकार का कोई हेमिस्फीयर है, सर ये तो पूरा स्पीयर हुआ, इसको हेमी कर दिया, और इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर ये चार्ज सिचुएटेड है,
इतना चार्ज है q, तो इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो। बड़ा सिंपल है। आप कहोगे सर देखो एक काम करते हैं, इस ऐसा अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर किया कितना रहेगा सर, ये q अपॉन इप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना रहेगा, उसका आधा। क्या सही है? क्या कंसीडर करना पड़ेगा? कंसीडर गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो एक कैटेगरी के क्वेश्चन हमने किए थे, कौन सी कैटेगरी थी वो? इस प्रकार से क्यूब है और इस क्यूब के अलग अलग पॉइंट पर वो अपना पॉइंट चार्ज था, याद आया क्या? तो बताओ इसके सेंटर में अगर चार्ज रहा तो फ्लक्स कितना रहेगा? तो फ्लक्स रहेगा आपका q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। That is q by epsilon naught. दूसरी केस q at vertex, एक vertex पर ये हमारा q चला गया, कितना आएगा? तो फिर हमने वो पार्ट किया था, कौन सा वाला सर? ऐसे क्यूब बनाए थे, याद आया क्या? कितने बनाने पड़ेंगे? कितने बनाए? सर 7 and 8, 8 1 भी है। आठ बनाने पड़ेंगे ना? ठीक है, नीचे वाले चार ऊपर वाले चार तो जाकर ये इनसाइड चला जाएगा। तो अब आप कहोगे इस पूरे बड़े जो क्यूब बनाया है उसके थ्रू हमारा फ्लक्स रहेगा q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सो हमारी इनिशियल कंडीशन थी, ये हमारा कितना पार्ट है इस पूरे क्यूब का? ऐसे कितने क्यूब है यहाँ पर? सर ऐसे आठ दिख रहे हैं, नीचे चार ऊपर चार। सो हमारा जो फ्लक्स रहेगा That will be q upon 8 epsilon naught. क्या आया क्या ध्यान में? क्यों कह रहे हो ऐसा? सर because of symmetry. ठीक है, अगर यही चार्ज वॉल में रहा तो सो ये एक हो गया। ठीक है, अब ऐसा
दूसरा और यहाँ तीसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस केस में Q एट वन ऑफ द साइड, अब हमारा Q इनसाइड हुआ है, हाँ, सो Q टोटल विल बी Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन फोर इप्सिलॉन नॉट। क्या आई क्या कंडीशन ध्यान में? अब एक कंडीशन बची है, कौन सी बची है कौन बता सकता है? चार्ज Q इज इन द सरफेस, अगर ये इस प्रकार से सरफेस में रहा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं सर, उसको इनसाइड करने के लिए, इनसाइड हम किस प्रकार से कर रहे हैं? सो दैट वो सिमेट्रिक रहे, ठीक है, सो सिमेट्रिक रखने के लिए ये हो जाएगा Q टोटल इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q इक्वल टू सॉरी पाई इक्वल टू Q अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन? अलग अलग केसेस देखी हमने, हमने क्या किया, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कंसीडर करके उसको इनसाइड ले लिया और फिर सॉल्व किया, ठीक है, सो ऐसे सिमेट्रिक सरफेसेस हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।